विभिन्न स्रोतों से जो भी सूचना आ रही है और आकर के नोट करा रहे हैं और यहाँ सूचना अधिकारी बैठे हुए हैं उनको भी टेलीफोन से भी SMS से भी सूचनाएं मिल रही हैं और वो लगातार हम लोगों को मीडिया जो पर्सन है उनको ये जानकारियां दे रहे हैं। जो टेबल टॉप एक्सरसाइज हुआ था और उससे पहले जो कम्युनिकेशन टेस्ट हुआ था उसमें ये पाया गया था कि जो SMS वगैरह है कुछ देर से पहुंच रहे हैं, आज के दिन आप लोगों ने क्या महसूस? आज यहाँ SMS से लगातार पहुंच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं आया सुनने में आया है कहीं से, और ये हमारे सूचना अधिकारी को भी SMS पहुंच रहे हैं यहाँ पे और लगातार उसके माध्यम से, और पर्सनली जो भी हैदराबाद केंद्र से भी पूरा कोऑर्डिनेशन है और जो भी सूचनाएं मिल रही है फटाफट यहाँ आकर के हम लोगों को जानकारी दी जा रही है। अगर हम आपसे अपने श्रोताओं की ओर से जानना चाहें कि आप अपने मुताबिक क्या जायजा बता पाएंगे कि वहाँ पर आज जो कुछ भी एक्सरसाइज चल रहा है अपेक्षा के मुताबिक तो हो ही रहा है, सफलता कितने डिग्री तक आप बता पाएंगे? सफलता की निश्चित है जी हाँ, जो स्थिति जितने व्यापक पैमाने पर पहली बार यहाँ एक्सरसाइज की गई है तो छोटी मोटी तो दिक्कतों का आना स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर के विभिन्न विभागों ने अपनी जो भूमिका जिस समन्वित तरीके से इसमें निभाई है वो काबिले तारीफ है और इस तरीके से जनता ने भी बड़े धैर्य के साथ बिना पैनिक में आए बिना घबराए इसमें सहयोग दिया है। आप देख सकते हैं कि अभ्यास के दौरान कहीं भी कोई पैनिक और इस तरह से अफरा तफरी का ज्यादा माहौल नहीं था और लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, सामान्य जीवन भी चलता रहा, तो ये कुल मिला के कह सकते हैं कि जो अपेक्षा की थी अगर 100% नहीं तो 90% तक की सफलता मिली हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस ताज़ा जानकारी के लिए। धन्यवाद जी हाँ श्रोताओं, ये थे आकाशवाणी के उपनिदेशक समाचार श्री दुर्विजय सिंह जी जो कि स्टेट कंट्रोल रूम में मौजूद थे।